no friends. देखो देखो फ्रेंड्स, अगर मेरी क्यूट सी स्माइल आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो तो, और आज हम करने वाले हैं रिएक्टिंग टू माय चाइल्डहुड फोटो विद माय मॉम एंड डैड। तो चलो शुरू करते हैं पापा, चलो फोटो देखते हैं। चलो तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फर्स्ट फोटो। परी, तुझे पता है ये फोटो देखकर ही मुझे पता चला था कि एक दिन तू बड़ी यूट्यूबर बनेगी। झूठ बोल रहा है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये फोटो तब की है जब परी सिर्फ एक महीने की थी। कितनी क्यूट लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी मासूम लग रही थी मैं। परी, और अभी देख कैसी लग रही है, बंदरिया लग रही है, बंदरिया। हाँ सच में। नेक्स्ट फोटो देखते हैं, चलो। तो ये है मेरा नेक्स्ट फोटो। परी, जब हमने नई बाइक ली थी ना, तभी का फोटो ही है। फ्रेंड्स, परी को तो साइकिल चलानी आती नहीं थी, बाइक चलाने की जिद कर रही थी, पता है आपको। पर मम्मी पापा, अगर आपने मुझे उस समय पे अगर बाइक चलाने दी होती ना, तो आज मैं ट्रक लेके घूमती। परी ट्रक लेके? ट्रक लेके नहीं, ट्रेन लेके घूमती तू। वही ट्रेन बोलना था गलती से, ट्रक वो फंबल हो गया, जरा भारी मिस्टेक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये फोटो है ना, जब परी का चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था ना, तब हम सब मिलके वाटर पार्क गए थे। यस फ्रेंड्स, और ये देखो इसमें उमेश भैया कितने अजीब लग रहे हैं, और संकेत भैया को ऐसे लग रहा है कि 5 रुपए का चेक मिला है, बट हंस ऐसे रहे, इतना मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्हें 5 लाख रुपए का चेक मिला है। हाँ ना, देखो ना ऐसे हंस रहे। परी गुस्सा होके वहाँ से चली जाती थी, पर मैं क्यों ना हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे बड़े बड़े स्लाइड में नहीं बिठाते थे, इसलिए। चलो नेक्स्ट फोटो देखते हैं। हाँ चलो। परी, ये फोटो में तू इतनी नर्वस क्यों लग रही है, कुछ याद आ रहा है क्या तुझे? परी के पापा, मुझे याद आ रहा है। क्या क्या? परी इस फोटो में नर्वस है क्योंकि उसको लगा कि पूरा केक खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्या हुआ था, पापा ने 50 लोगों को इनविटेशन किया था, 100 लोग मेरे बर्थडे में आ गए, 100 लोगों ने केक खा लिया, और मुझे गिफ्ट्स कितने मिले, बस 10। तो क्यों ना सैड रहूं मैं, 100 लोग केक खा के गए, और इतना केक तुम लोगों ने वेस्ट भी किया, पूरा मेरे मुंह पे लगा दिया था। परी, गिफ्ट के लिए कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है? हाँ, मैं तो गिफ्ट के लिए सेलिब्रेट करती हूँ। तो चलो नेक्स्ट फोटो देखते हैं। चलो तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पूरी क्लास की फोटो, और इसमें मैं भी छुपी हुई हूँ, और अगर आपने कमेंट करके राइट गेस किया कि यहाँ पे मैं कहाँ पे छुपी हुई, तो मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट सिर्फ आपके लिए। मैं बताऊँ परी कहाँ हो तुम? नहीं, मेरे फ्रेंड्स बता देंगे। अरे अभी नहीं बताना है। ठीक है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये फोटो देखो, इसमें जब मैं 4 साल की थी, ये फोटो तब का है, और पापा देखो कैसे खड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि पापा जस्ट स्टार्ट से एंट्री करके बस बाहर उतरे, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है ना ऐसा। क्या कुछ भी बोल रहे परी, लेकिन तुझे पता है मेरी ख्वाहिश थी कि हम ताज में एक दिन रहने के लिए जाए, लेकिन वो सपना ना तूने पूरा किया। वेलकम, तो चलो नेक्स्ट फोटो देखते हैं। तो नेक्स्ट, ए परी परी, ये मेरे बर्थडे का फोटो है ना? हाँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। ओ, आपका बर्थडे था, और फ्रेंड्स आपको पता है क्या, ये केक मैंने और पापा ने मिलकर बनाया था। तुम लोगों को चाय बनाने आती है क्या? तो फ्रेंड्स, मेरे बर्थडे का केक मैंने ही बनाया था, इन दोनों ने नहीं बनाया था। हाँ फ्रेंड, मैंने भी मम्मी को हेल्प की थी, मैंने दुकान से मम्मी को बिस्किट ला के दिया था, और पैसे मैंने दिए थे। हाँ, बहुत बड़ा काम किया था इन दोनों ने। नेक्स्ट फोटो। मम्मी, ये कौन है व्हाइट शर्ट वाले? परी, ये तुम्हारे पापा है, छिला हुआ अंडा लग रहा है ना। सेम टू सेम, छिला हुआ अंडा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो मैं होटल में जॉब करता था ना, इसलिए उधर दाढ़ी अलाउड नहीं थी, इसलिए पूरे क्लीन शेव करके जाता था मैं। ओह, और देखो कितना हैंडसम लग रहा हूँ, पूरी लड़कियां मुझ पे मरती थी तभी, फिदा थी फिदा। मरती थी मतलब इन्हें देखकर वो मर जाती थी। नेक्स्ट फोटो। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें मुझे क्या बना है, क्रिसमस ट्री। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, और मुझे बनना था प्रिंसेस, और मम्मी ने मुझे क्या बनाया, क्रिसमस ट्री। सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि क्या, बोल रहे थे कि क्या पेड़ बन के आई है तू, झाड़ बन के आई है। पर तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। और आपको याद है, आपको याद है मैंने पूरी रात जाग कर वो ड्रेस खुद हाथ से सिलाया था, 4 बजे तक। हाँ फ्रेंड्स, वो तो है, बट क्या करूँ, क्रिसमस ट्री बनाया था,
देखो कितनी अच्छी लग रही है परी जी। अच्छा ठीक है नेक्स्ट फोटो नेक्स्ट। ओ इस फोटो में हम मछली बने हुई वही 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 वही। ये फोटो है ना बारिश की वजह से हमारे नाले का ओवर फ्लो हो गया था और ये दोनों उसमें नहा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हम ना घूमने गए थे। कहाँ गए थे? लोनावला घूमने गए थे, बुजी डैम में। तभी का फोटो ये। हाँ बोल रही है। चल नेक्स्ट फोटो। और फ्रेंड्स मैं कहूँ पता है? हाँ मम्मी। मेरे हाथ में मोबाइल देके स्क्रीन शूट करने के लिए बोला था इन्होंने। फोटो निकालने के लिए। मेरा काम वही रहता है, जब इनके साथ जाती हूँ ना मेरा काम वही रहता है कि मोबाइल लेके मैं फोटो खींचूं, क्योंकि मेरी मम्मी अच्छे फोटो निकालती है। पर ये फोटो कैसा लग रहा है तेरा? वाह इसमें तो मैं मेरे पापा का मेकअप कर रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ। हाँ ये अपने पापा का मेकअप करती थी और मेरे मेकअप के सारे प्रोडक्ट खराब करती थी। फ्रेंड्स मतलब मुझे बचपन से शौक था मेकअप का, अभी भी है। मतलब मुझे हॉरर मेकअप आता है, भूतिया मेकअप आता है, चुड़ैल मेकअप आता है, डायन मेकअप आता है, फिर मुझे हीरोइन वाला मेकअप भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। मतलब मैं क्लासेस भी लेती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से ज्वाइन करो, आप भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, है ना मम्मी? हीरोइन वाला मेकअप कम आता है, चुड़ैल और डायन वाला मेकअप ज्यादा आता है, क्योंकि ये वैसे ही दिखती है ना। पानी पूरी खानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ ये है मेरा प्यारा सा मुन्ना सा छोटू सा शिवराज मेरा भाई, उसे देखो मैंने लड़की बनाया था, है ना मम्मी? हाँ फ्रेंड्स, इसने ना माऊ के कपड़े लाए थे और इसे पहनाए थे और पूरा लड़की जैसा उसको तैयार किया है। देखो सेम डिट्टो लड़की लग रहे हैं। हाँ ना देखो फ्रेंड्स, मुझे मेरे में कितना टैलेंट है, मैं शिवराज को भी लड़की बना सकती हूँ, है ना शिवराज? और इस शिवराज के पीछे कौन है? ये तो मैं हूँ। अगर शिवराज ये फोटो देखेगा ना तो बड़ा होकर तुझे जरूर मारेगा परी। ये देखो अभी ये फोटो देखो कैसा लग रहा है। मतलब फ्रेंड्स मम्मी पापा ने ना मुझे घूमने के लिए लाया था और ये देखो खुद दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मतलब मुझे घुमाने लेके आए तो मुझसे भी जरा बातें करो कि परी तुम्हें ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या। घर में तो 24 घंटे एक साथ ही रहते। अरे बाहर आए हो तो एक दूसरे को छोड़ो, मुझे तो देखो जरा। अरे परी और मैं कैमरा के मैन ऐसे देख रही, कैमरा मैन के पास। ठीक है ना परी, नेक्स्ट फोटो। मम पापा ये फोटो कब का? और ये चुड़ैल कौन है? परी मुझे ना चुड़ैलों से डर नहीं लगता, अभी मुझे ना आदत सी हो गई है। और जिधर भी चुड़ैल दिखाई देती है ना मैं उसके साथ फोटो निकलता हूँ। मतलब चुड़ैल की आदत हो गई है, मुझे समझा नहीं। परी बाजू में देख। मम्मी आया चुड़ैल बोला? आपने मुझे चुड़ैल बोला? परी मैं बाजू में देख बोला चुड़ैल है। तो आप तो चुड़ैल नहीं हो सकते, तो मम्मी चुड़ैल होगी ना। अभी तुझे जो समझ रहे समझ। आगे का फोटो देखो चलो। परी वैसे तू ये फोटो में ऐसे क्यों बैठी है रे? अरे परी के पापा वो ऐसे बैठी है क्योंकि वो पहले से ही सोचती थी कि मेरे फोटो को कितने लाइक मिलेंगे, कितने व्यू मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब मैं बचपन में थी ना तो ये वाली पोज जरा ज्यादा फेमस थी, इसलिए मैंने वो पोज ट्राई की थी। वहाँ परी हर फोटो में ऐसे ही थी, ऐसे ऐसे बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। वाह वाह वाह। ये देखो परी मुझे राखी बांध रही है। हाँ फ्रेंड्स मेरे पापा को ना सिस्टर नहीं है, इसलिए हमेशा मैं पापा को राखी बांधती हूँ और पापा मुझे हमेशा गिफ्ट भी देते। बस उस साल पापा ने मुझे 500 रुपए दिए थे, है ना? 500 रुपए? आपको पता है फ्रेंड्स परी के पापा जब भी इसे गिफ्ट देते हैं ना मेरे पर्स से पैसे चुराते और इसे गिफ्ट देते है। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोल। तभी मैं सोचूं कि मम्मी तो पापा को रोज 10 रुपए देती है, तो इस साल पापा ने मुझे 500 रुपए कैसे दिए? पापा ये गलत किया, बहुत गलत किया आपने। हाँ उस दिन उसके ही पैसे चुराए थे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा कौन सा फोटो ज्यादा पसंद आया। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।